नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सन 24 एमए। मैं राहुल सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों की जो है खगड़िया जिला अंतर्गत जो समेकित बाल विकास परियोजना की तरफ से जो है सुपरवाइजर की पदों को जो वैकेंसी निकाली है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को लेकर के आज हम क्लियर करने वाले हैं कि जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का मन में डाउट चल रहे हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। हम आपको जो है इस वैकेंसी रिलेटेड जो भी क्रिटेरिया है सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बताना चाहूँगा कि बिहार के अलावा जो है राज्य की जो है जो वैकेंसी निकलती है फ्रेंड्स, उनकी अपडेट आपको जो है यहाँ पे देखने को सबसे पहले मिलेगा। फ्रेंड्स, तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है खगड़िया जिला अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स, जो कि बाल विकास परियोजना की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या है कि कुल 13 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी में सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं जो कि जो है पहले से जो है सेविका के पदों पर कार्य कर रहे हैं, मतलब कि जो कि आंगनबाड़ी चला रहे हैं फ्रेंड्स, वही लोग इसमें जो है वही कैंडिडेट इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि जो है इसमें फॉर्म जो है सिर्फ सेविका ही अप्लाई कर सकती है, वो भी जो है जिला खगड़िया के अंतर्गत जो सेविका है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो है इसमें भी कुछ क्रिटेरिया दिया हुआ है कि जो मतलब सेविका की जो है 10 साल से आंगनबाड़ी पे काम कर रहे हैं, मतलब कि मिनिमम जो है कम से कम 10 साल की जो है एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर आपका 9 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस तो आप इससे वंचित रह जाएंगे, आप इस वैकेंसी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप जो है जैसे कि आपकी एक्सपीरियंस अगर 10 साल से प्लस है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको जो है 11 साल की जो है इसमें जो है आयु में छूट भी मिलने वाली है, मतलब कि 11 साल को आपको जो है बेनिफिट्स मिलने वाली है एज में। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है आप इस फॉर्म को जो है 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट आप जो है इस फॉर्म को जो है 5 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है बहुत कम रखा गया है फ्रेंड्स, मैट्रिक पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो सेविका के मैट्रिक पास भी होंगे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है जो कि जनरल EWS BC EBC SC ST के लिए जो है अलग अलग पदों पे जो है मतलब वैकेंसी होने वाली है, जो कि कुल 13 पदों पे। बताना चाहूँगा जो जनरल के लिए 1 पदों पे वैकेंसी होने वाली है और EWS के लिए कोई पद नहीं है फ्रेंड्स, BC के लिए 3 पद हैं, EBC के लिए 4 हैं, SC के लिए 4 हैं और ST के लिए 1 पद, मतलब कुल मिलाकर के 13 पदों पे वैकेंसी होने वाली है फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सन24 एमए सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स इसमें जो कोई आपकी जो एग्जाम नहीं होने वाली फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो है इसमें सिलेक्शन है और आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं लगना वाला फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगा कि मेल ईमेल के माध्यम से जो है आप सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वहाँ पे सेंड करेंगे, आप जो है आपको जो है ऑफिशियल जब NIC का पोर्टल पे आप जाएंगे खगड़िया के NIC के पोर्टल पे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे NIC के पोर्टल का, जो कि आप जाकर के खुद से भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगा कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, काफ़ी एक यूनिक मौका है आपको पोस्टिंग के लिए। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सन24 एम से जुड़े रहे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो है बिहार से कोई भी वैकेंसी हो उनकी अपडेट जो है आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।